स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के ढाका में गुरुवार को 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कम 46 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। गुरुवार की रात राजधानी के बेली रोड इलाके में ग्रीन कोजी कॉटेज इमारत में आग लग गई, जिसमें कई रेस्टोरेंट और दुकानें थी। कच्ची भाई नाम के एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में आग गुरुवार रात करीब 9:50 पर लगी। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार यह इमारत के पहली मंजिल पर शुरू हुआ और तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गया, जहां कई अन्य रेस्टोरेंट और एक कपड़े की दुकान थी। एक बिरयानी रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद आग तेजी से फैल गई और 13 इकाइयों के अग्निशामकों के 2 घंटों के प्रयास के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि अग्निशामकों ने जली हुई इमारत से लोगों की जान बचाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया, जो अभी भी मलबे को हटाने और बचे हुए अंगारों को बुझाने में काम कर रही है। गुरुवार को एक गवाह द्वारा फिल्माए गए वीडियो चित्रों में इमारत के किनारे से धुआं निकल रहा था। मृतकों के शव लेने के लिए रिश्तेदार अस्पताल में एकत्रित हुए और आपातकालीन विभाग के बाहर कुछ लोग शोक मनाते हुए दिखाई दिए। डॉक्टरों ने कहा कि अधिकांश मृतकों का दम घुट गया, जबकि अन्य की मौत इमारत से कूदने के कारण हुई। 2 सरकारी अस्पतालों में दर्जनों लोगों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घटना पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र उपचार का आदेश दिया। सरकार ने घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। और सामने रही गिलास भेंगे।